यहाँ तो बाप आया हुआ है ऊंचे से ऊंच, बुद्धिमानों की बुद्धि। वो बताता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, माना कौन सा कर्म तेरा अधिकार है? जो श्रीमत के अनुकूल कर्म है वो करना तेरा अधिकार है। मनमत के आधार पर किए हुए कर्म या कोई मनुष्य की मत के आधार पर किए हुए कर्म, ये तेरा अधिकार नहीं है। तू आत्मा है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है, तो किसके आर्डर पर चलना चाहिए? परमात्मा के आर्डर पर चलना चाहिए। पहचाना होगा तो चलेगा। अब गधे ने कुम्हार के डंडे को ही पहचाना हुआ है? कोई बड़ा ऑफिसर है, ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई डंडा रखने वाला है नहीं ऑफिसर? उसके ऊपर डंडा चलाने वाला भगवान है या कोई देहधारी ऑफिसर है? देहधारी ऑफिसर है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर्म सुबह से शाम तक हम करते रहें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते हो गया, कर्म करना ही हमारा धर्म है। बहुत से लिख देते हैं स्लोगन, कर्म करना ही पूजा है। उससे पहले लिख देना चाहिए गधे का कर्म करना ही पूजा है। हो जाएगी पूजा? अरे कर्म भी कौन सा करना है? ऊंचते ऊंचे बाप ने आकर के जो कर्म सिखाया है गीता में वो कर्म हमको करना है।